दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बनारस के एक प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ, जो शंकर बाबा का मंदिर है, जिन्हें हम भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। और यह मंदिर स्थित है बनारस के भिखारीपुर नामक स्थान पे। और यह भिखारीपुर स्थान बनारस से चुनार जाने वाली रोड पर है। अगर आप कैंट स्टेशन से इस मंदिर तक आना चाहते हैं तो ऑटो की सुविधा आपको 24 घंटे मिलेगी। कैंट स्टेशन से यहाँ की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और करीब 15 से 20 रुपये तक ऑटो वाले किराया ले लेते हैं। और अब हम शंकर बाबा का मंदिर देखे हैं अभी। अब इस मंदिर के दर्शन के बाद इसके ठीक बगल में जो मंदिर है वहाँ चल रहे हैं और देखते हैं कि यह मंदिर किसका है। इस कैंपस में कुल 4 मंदिर हैं। पहला मंदिर महादेव जी का आपने देखा, जिन्हें हम शंकर बाबा भी कहते हैं। और यह मंदिर है संतोषी माता का। संतोषी माता का मंदिर हम देख चुके, दर्शन कर लिया हम लोगों ने संतोषी माता का। अब हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे मंदिर की तरफ, जो इस कैंपस के अंदर ही है। और इस मंदिर के सामने यह इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा तालाब, जिसके चारों तरफ लगी हुई बड़ी बड़ी सर्च लाइटें यहाँ के नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत बना रही है। निश्चित रूप से यहाँ आने वाले का मन मोह लेगा यह नज़ारा। एक बड़ा सा तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है और किनारे पे लगी हुई हैं बड़ी बड़ी सर्च लाइटें, सचमुच बहुत ही मनमोहक है। दिन में इस तालाब में मछलियों को तैरते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ एक बत्तख भी हैं, करीब 10-12 की संख्या में बत्तख हैं। रात होने के कारण बत्तख कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। दिन के समय जब बत्तख इस पानी में तैरती हैं तो अत्यधिक खूबसूरत नज़ारा देखने लायक होता है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे मंदिर की तरफ। यह विशाल कैंपस जो मैंने बताया कि कैंट स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और लंका जहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसकी दूरी अगर देखी जाए तो लगभग 4 किलोमीटर है। ऑटो की सुविधा आपको लंका से भी मिलेगी और करीब 10-12 रुपये किराया आपको खर्च करना पड़ेगा। अब हम चौथे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हनुमान जी का मंदिर है। अब हम हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। यह हनुमान जी का मंदिर आपके सामने है। रात में अंधेरा होने के कारण बहुत सी चीज़ें नहीं भी दिख रही हैं। यहाँ पे बांस का बना हुआ अत्यधिक सुंदर मंदिर है। हालांकि इसमें कोई लाइट नहीं जलाई गई है, इसलिए मंदिर साफ साफ दिख नहीं पा रहा है। और अब मैं आखिरी में आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बनारस के एक प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ, जो शंकर बाबा का मंदिर है, जिन्हें हम भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। और यह मंदिर स्थित